नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस में। मैं हूं आलोक शुक्ला और आपके लिए लेके आया हूं आज का करंट अफेयर्स, यानी कि 20-21 मार्च का करंट अफेयर्स। और आज के सेशन में हम देखेंगे 20 तारीख को और 21, यानी कि 21 में हम 20 की खबर कवर करते हैं और 20 में 19 की खबर कवर करते हैं। तो हम 20 और 21 की करंट अफेयर्स लेके आपके सामने आए हैं, जिसमें हम सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पे देखेंगे और इसके बाद 2 मिनट में हम क्विज करेंगे, ताकि जितने भी खबर हम यहाँ पे पढ़ के जाते हैं, साथ ही में उन प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लिया करें, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो देर न करते हुए हम आते हैं कंटेंट पे। लेकिन इससे पहले, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना हुआ हो, वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को पुश कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उन्हें अपडेट मिले। तो आते हैं हम सीधा टॉपिक पे। पहला क्या है यहाँ पे खबर, कि एमएसएमई की बदलेगी परिभाषा। गडकरी ने बोला है कि अभी आपका जो एमएससी है, एमएसएमई है, उसकी परिभाषा बदलेगी, और जो वो परिभाषा होगी वो किसके आधार पे होगी। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एमएसएमई पर यूके सिन्हा समिति द्वारा 39 सुझावों को स्वीकार किया गया है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि इस सेक्टर में धन का कोष स्थापित करना शामिल है। नितिन गडकरी जो हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं एमएसएमई के, और इन्होंने राज्यसभा में ये सारी बातें बोली हैं। अगर हम एमएसएमई की बात करें तो ये जीडीपी विकास का 24% और निर्यात का 48% योगदान करता है। अगर हम बीते वर्ष की बात करें तो यह 1 लाख करोड़ का वार्षिक कारोबार किया है और अगले 5 साल के लिए 5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि परीक्षा के लिए इस खबर से क्या उपयोगी है, तो अगर हम एमएसएमई की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2006 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो उद्योग भवन दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट खबर क्या है, कि रक्षा मंत्रालय ने इजरायली फर्म के साथ 880 करोड़ के एलएमजी के अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। एलएमजी आपका लाइट मशीन गन होता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट खबर। रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने 880 करोड़ रुपए की लागत से 16479 एलएमजी की खरीद के लिए इजरायल हथियार उद्योग के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है किसके साथ किए हैं, इजराइल हथियार उद्योग के साथ। अनुबंधित NEGEB 7.62X51 मिलीमीटर LMG एक सिद्ध लड़ाकू हथियार है और वर्तमान में दुनिया भर के कई देशों द्वारा यह उपयोग किया जा रहा है। अगर हम आगे बात करें तो यह LMG वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे हथियार के मुकाबले एक सैनिक की घातक क्षमता और सीमा को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। चलिए इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट खबर पे। नेक्स्ट खबर क्या है, स्वावलंबन एक्सप्रेस के बारे में है। स्वावलंबन एक्सप्रेस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये आपके 2020 जनवरी में ही खबर आई थी कि सिडबी जो है उसने एक ट्रेन चलाई है। ट्रेन चलाई का मतलब ट्रेन यात्रा करने का वो कर रहा था, प्रस्ताव रखा था, जो कि अभी आपका 12 दिन का होगा, 12 डेज में। और करीबन ये यहाँ पे ट्रेन 11 से 12 उद्यमी शहरों का दौरा करेगी। इसमें दिल्ली, जम्मू, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर और वाराणसी इत्यादि शामिल हैं। सिडबी अपने ये 30वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में ये रेल यात्रा कर रहा है। इसमें फ़ायदा क्या होगा स्वावलंबन एक्सप्रेस चलाने से, जितने भी उद्यमी हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, जो नए काम करने के लिए इच्छुक लोग हैं, उन सभी को यहाँ पे आपस में मिलने का एक वो मिलेगा। प्लस ये क्योंकि उद्यमी शहरों को होके गुजरेगा, तो यहाँ पे कई सारे लोग अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं इस पूरे यात्रा के दौरान। और इसी यात्रा में विभिन्न कार्यशालाओं और कार्यक्रम पर आयोजन प्रस्तावित किया गया है। 2024-25 तक $5 ट्रिलियन के भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह ट्रेन शुरू की गई है। अगर हम बात करें तो ये पूरी ट्रेन 7000 किलोमीटर की पूरी यात्रा करेगी, जिसमें छोटे छोटे उद्यमों को जोड़ा जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसमें कोई जो जुड़ने वाले लोग हैं उनके लिए कोई शैक्षिक प्रतिबंध नहीं है, जबकि 20 से 35 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। तो अगर हम परीक्षा के नज़रिए से देखें कि इस खबर से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो सिडबी की जो स्थापना हुई है वो 2 अप्रैल 1990 में हुई है,
ठीक है, 2 अप्रैल 1990 में हुई है, और इसकी जो CMD हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है आपके। चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक हो गया है। IEA की अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है। IEA जो होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जिसकी रिपोर्ट नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2019 के भारत जो है विश्व का तीसरा बिजली उत्पादक देश बन गया है। भारत का अगर 2017 में स्थिति देखें तो इसकी प्रति व्यक्ति जो खपत थी वो पूरे विश्व में 106वें स्थान पे थी, 106 पे। तो अगर हम इसके परीक्षा उपयोगी फैक्ट के बारे में बात करें तो RK सिंह यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये क्या है देखते हैं। बिजली नई और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री IC और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं ये। अगर हम IEA की बात करें, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें, तो इसकी जो स्थापना हुई थी नवंबर 1974 में हुआ था, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये पेरिस यानी कि फ्रांस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं। विश्व गौरैया दिवस। गौरैया आप सभी लोग जान रहे हो कि आजकल विलुप्त तो हो चुकी है, तो इसके बारे में क्या खबर है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को चिन्हित करने की आवश्यकता इसकी आबादी में जबरदस्त कमी के कारण महसूस की गई है। अगर हम बात करें कि पहल की शुरुआत की, तो इसकी जो शुरुआत थी वो नेचर फॉर एवर सोसाइटी NFS जिसे कहते हैं ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। उन्होंने अपना काम नासिक में घरेलू गौरैया की मदद के लिए शुरू किया था। अगर हम इसकी बात करें कि न्यूज़ में क्या रहा है, कहाँ से आया है ये पहल, तो टाइम पत्रिका द्वारा 2018 के लिए पर्यावरण के नायकों में से एक नामित किया गया था। ये बात कर रहे हैं मोहम्मद दिलावर जी की। मोहम्मद दिलावर ही ने यहाँ पे इनको नामित किया गया था पर्यावरण के नायकों में 2008 में टाइम मैगजीन के द्वारा। पहला विश्व गौरैया दिवस जो था वो 2010 में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं। राष्ट्रीय तकनीक कपड़ा मिशन, इससे क्या रिलेटेड खबर है। सरकार ने 1480 करोड़ रुपए के खर्च से स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय तकनीक कपड़ा मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसकी जो स्थापना 4 वर्षों की अवधि के लिए होगी। कब से कब तक, 2020-21 से लेके 2023 से 24 तक। तो ये 4 वर्षों के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। अगर हम परीक्षा फैक्ट प्लस की बात करें तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं। चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं। कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब के बारे में क्या है। अभी व्हाट्सएप ने एक वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है देखते हैं। व्हाट्सएप ने इसे चैटबॉट को विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल यूनिसेफ यानी कि यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ मिलकर इसे शुरू किया है। अगर हम इसे परीक्षा उपयोगी फैक्ट से देखें कि यहाँ से क्या पूछ सकता है, तो जैसा कि विभिन्न एग्जाम में पूछ लेता है हेडक्वार्टर वगैरह, तो WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के अगर महानिदेशक की बात करें तो टेड्रोस एडहानम है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक अचिम स्टेनर हैं। चलिए इसके आगे की खबर देखते हैं। ICC ने 2 भारतीय अंपायरों को अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया है। कौन है ये, वृंदा राठी और जननी नारायणन हैं। ICC डेवलपमेंट अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल करने का ऐलान किया है इन दोनों को। यह घोषणा 100% क्रिकेट की लॉन्च के बाद की गई थी। 100% क्रिकेट एक 12 महीने का कैंपेन है, जिसे ICC महिला T20 विश्व कप 2020 में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया था। परीक्षा उपयोगी फैक्ट की बात करें तो ICC के अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं, मुख्य कार्यकारी मनु साहनी हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पिछले एग्जाम में आपके। मुख्यालय इसका दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट खबर पे आते हैं जल्दी से। ग्रीन ने 2020 के टोक्यो आयोजकों की सौंपी ओलंपिक मशाल। हालांकि कोरोना वायरस के चलते इसके भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी ग्रीस ने टोक्यो को ओलंपिक का मशाल सौंप दिया है। पढ़ते हैं इसके बारे में पूरी खबर। कोरोना वायरस COVID-19 के चलते इस साल के ओलंपिक खेलों पर मंडरा रहे स्थगित होने के खतरे के बीच ग्रीस ने बंद दरवाजे के अंदर आयोजित किए गए समारोह में टोक्यो 2020 के आयोजकों को ओलंपिक मशाल सौंप दी है।
है, लेकिन ओलंपिक समिति के अध्यक्ष स्पाइसर कैपोलॉस ने टोक्यो आयोजन समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे नाओको इमोतो के हाथों को मशाल सौंपी है, जो मशाल को जलाकर उसे आगे ले गए। टोक्यो ओलंपिक खेलों को 24 जुलाई से 9 अगस्त के लिए आयोजित किया जाना है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि जो इस बार ओलंपिक है वो 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में होना है। कहाँ होना है? टोक्यो में होना है। ग्रीस ने अभी मशाल इसे सौंप दी है। भारतीय इतिहास में देख लेते हैं 21 मार्च का दिन कितना इम्पोर्टेंस रखता है। 21 मार्च 1858 को भारत में ब्रिटिश सेना ने लखनऊ की घेराबंदी को हटा दिया था, जिससे भारतीय विद्रोह समाप्त हो गया था। 1858 की क्रांति की बात आप जानते ही हैं, इतिहास का है। दूसरी बात क्या है जरूरी यहाँ पे, 21 मार्च को आवामी लीग के प्रमुख शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित किया था। 2010 21 मार्च को ही भारत ने अपने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए अधिक पैंतरेबाजी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ठीक है, तो ये रहा आज का करंट अफेयर, जिसके बारे में हम डिटेल्स में देखें। हम कुछ विविध टॉपिक देख ले रहे हैं वन लाइनर में, जो हमसे छूटते हैं, अक्सर छूट जाते हैं, उसे जल्दी से कर लेते हैं। तो क्या है कुछ जो अलग खबरें हैं जो आपके एक दिवसीय एग्जाम के लिए कहीं ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। रेलवे ने दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों को का विद्युतीकरण करने के लक्ष्य रखा है। सभी दिसंबर 2023 तक जितने भी ब्रॉड गेज होते हैं, सभी जानते हैं मीटर गेज होता है, ब्रॉड गेज होता है, इसकी जो ट्रैक की बात कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रीफाई करेगा रेलवे, इसका लक्ष्य रखा है। विश्व चैंपियन बॉक्सर जो है वो रोजर मेवेदर थे, उनका निधन हो गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है, गौरैया दिवस भी मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी मनाया जाता है 20 मार्च को। भारत के महान फुटबॉल खिलाड़ी पीके बनर्जी का निधन हो गया है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम फुटबॉल खिलाड़ी थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ चीन ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। HIL इंडिया ने हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये थी आज की हमारी खबर। इसके साथ ही हम अब देख लेते हैं इसके बेस्ट क्विज, ताकि हमारा जितना भी हम खबर आज पढ़े हैं वो हमारा सॉलिड हो जाए। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के करंट क्विज की। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत और इजराइल द्वारा 16,479 LMG मशीन गन्स की खरीद के लिए कितने रुपए का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है 880 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। चलिए, तो इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? तो सभी जान रहे हो क्या, स्वावलंबन एक्सप्रेस इसका नाम है। ये रेल यात्रा है एक, जो आपका 12 से 13 दिन का होगा, है ना, 1700 किलोमीटर का लगभग। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस देश में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन करना है? तो कहाँ पर हो रहा है भाई, ये जापान में हो रहा है। टोक्यो ओलंपिक इसका नाम है, जापान में हो रहा है। अभी ही ग्रीस ने मशाल इसे सौंपी है। चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? तो कौन है? भारत है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं, HIL इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट खबर पे देते हैं, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस आपका 20 मार्च होना चाहिए, अप्रैल 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, यहाँ पे मार्च होना चाहिए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट खबर देखते हैं, हाल ही में किस सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म के द्वारा कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब लॉन्च किया गया है? तो कौन लॉन्च किया है? व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है, व्हाट्सएप कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब इसका नाम ही है। चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं, रेलवे ने सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है, दिसंबर 2023 तक, नवंबर 2023 तक, सितंबर 2023 तक, अक्टूबर 2023 तक। तो ये कब तक रखा है? दिसंबर 2023 तक। नेक्स्ट खबर पे आते हैं, ICC के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर हैं अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं,
संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ किस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो कहाँ का है? चीन का। इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है जो आपका 2021 का था। कल हम इसी समय आपके साथ 22 मार्च का करंट अफेयर लेके मौजूद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पुश कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं इसके बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट पुट कर सकते हैं। धन्यवाद।